देख रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। दिल्ली के मधुविहार इलाके में एक ब्यूटी पार्लर से धर्मांतरण का मामला सामने आया। यहां पर एक पादरी ने पूरे तरीके से बकायदा एक प्लान के तहत एक महिला को मजहब बदलने के लिए बरगलाने की कोशिश की है, और ये महिला अकेली नहीं है, इसके साथ ही कई लोगों का एक साथ धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। जानते हैं कि धर्म एक ब्यूटी पार्लर में, ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के एक ब्यूटी पार्लर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ये मामला खोड़ा थाना क्षेत्र के मधुविहार इलाके का है। मधुविहार में एक पार्लर के अंदर धर्मांतरण का बड़ा खेल खेला जा रहा था। आरोप है कि पार्लर चलाने वाली महिला ने दूसरी महिला को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बरगलाने की कोशिश की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पड़ोस में महिला ब्यूटी पार्लर चलाती थी। जब पीड़िता पार्लर्स के आगे से गुजर रही थी, तभी उस महिला ने आवाज देकर पार्लर के अंदर उसे बुलाया। वहां उसने पीड़ित की मुलाकात दिल्ली के रहने वाले इब्राहिम थॉमस से कराई। इब्राहिम और कोई नहीं बल्कि वही पादरी था। ये इब्राहिम केरल का रहने वाला है और अभी दिल्ली के मयूर विहार फेस 2 में रहता है। पीड़िता के मुताबिक इब्राहिम और उसकी पत्नी उससे बातचीत करने लगे। बातों ही बातों में उन्होंने ब्यूटी पार्लर में होने वाली प्रार्थना सभा में उसे शामिल होने को कहा। जिसके बाद जब पीड़िता ब्यूटी पार्लर दोबारा गई, तो उसने वहां देखा कि करीब आधा दर्जन लोग प्रार्थना सभा में मौजूद थे। सभी प्रार्थना कर रहे थे, सभी के हाथों में किताब थी और इन सभी को पादरी प्रार्थना करा रहा था और सभी लोग आमीन आमीन बोल रहे थे। जब पीड़ित प्रार्थना सभा में पहुंची तो वो ये सब देखकर सकपका गई। जिसके बाद इब्राहिम ने पीड़िता को कहा कि वो उसे यीशु के दर्शन कराएगा, लेकिन उसके लिए उसे पहले अपने गले में पड़े भगवान कृष्ण के लॉकेट को उतारना होगा और घर में लगे देवी देवताओं की फोटो भी हटानी होगी। सुनीता ने ये कहने से मना कर दिया और विरोध करने लगी, जिसके बाद उन्होंने लोगों को बुलाकर आरोपियों को दबोच लिया और सभी आरोपियों को थाने लेकर पहुंच गए, जहां पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर चुके हैं और इस पूरे मुकदमे के तहत 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, तो लोगों के बीच जागरूकता तो आई है, ये देखा गया है। अब ऐसे में ये पता लगाना होगा कि ऐसे कई आरोपियों को जो जानबूझकर लोगों का मजहब बदल रहे हैं, बिना उनकी मर्जी के उन्हें धमका कर बरगला कर, अब इन पर सख्ती से कार्रवाई कब की जाएगी, कब इस मामले में संजीदगी देखी जाएगी। खैर, इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।